नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भाजपा के 60 वर्षीय नेता भूपेंद्र पटेल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार का गठन हो गया है और पटेल ने आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसके साथ ही 18 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें कई चेहरे नए हैं और तो कई अनुभवी भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही जाति, समाज और क्षेत्र का भी खास ध्यान रखा गया है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले चर्चित युवा चेहरे अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल को फिलहाल मौका नहीं मिल सका है। सबसे पहले तो मैं हाईकमान के नेतृत्व को और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है उसको और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता और विशेष करके ज्वाली विधानसभा के जितने मेरे वोटर्स हैं, किसान, मजदूर, छोटे वर्ग के लोग, पढ़े लिखे कर्मचारी भाई, मजदूर भाई, सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में आस्था जो है जताई है। एक तरफ जो है वो धन बल था और एक तरफ जो था वो जन बल था। लोगों ने जो है वो सबसे बढ़िया मैंडेट था जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दिया है। बहुत से चेहरे ऐसे उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने जो करोड़पति थे, लेकिन पैसे के आगे जो है वो बहुमत जो है और जो धन बल जो है उसकी जीत है। और हम जो है वो बहुत अच्छी, साफ सुथरी और लोगों के आकांक्षाओं के अनुसार जो है वो अच्छी सरकार है। सर, आपकी जो हमारे प्रत्याशी थे उनका बहुत बढ़िया चयन किया गया, इसके लिए मैं हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल का वर्डिक्ट है। जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। और जहां तक हिमाचल का विषय है, हिमाचल अभी नेक टू नेक सारा चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। फिर भी मैं आशा करता हूं कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अच्छा करके दिखाएंगे गुजरात में, हिमाचल में, वो नतीजा उनको मिला नहीं है राष्ट्रीय पार्टी को लेकर, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, वो हवाई बातें उनकी हैं, ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो हेड सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, हार्दिक पटेल ने शपथ ले ली है। बिल्कुल, कह सकते हैं 7 महीने पहले जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद चुनाव लड़े, टिकट मिला, चुनाव लड़े और जीत कर आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो ये जरूर कहा जाता था कि अवसर को किस तरीके से भुनाया गया हार्दिक पटेल के द्वारा, ये जीता जाता है उदाहरण जरूर कह सकते हैं। लेकिन आज भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दिल्ली से काफी सारे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कभी काफी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी लोग यहाँ से गए दिल्ली, गुजरात में, और उन्होंने कह सकते हैं कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में भव्य तरीके से आयोजित किया गया हेलीपैड ग्राउंड में, उसमें अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हार्दिक पटेल को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे वो सारे उलट हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से ये लगाया जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी हार्दिक पटेल को मिल सकती है। सुमन जी, शहीद, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ली है, क्या उस समय का सीन रहा है, उसके बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए शहीद। शहीद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं सुमन जी? शहीद, आप अपनी बात पूरी रखें। सुमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है शहीद, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ली गई है, बता दें आपको, भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ली गई है, हार्दिक पटेल भी इसमें शामिल है।
दिल्ली महिला की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सब इंस्पेक्टर से मारपीट को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ उसका पति कई महीनों से मारपीट कर रहा है पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस की ट्विटर पर मदद मांगने को मजबूर है और मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस की ही जो सुरक्षित है वो नहीं होगी तो आम महिला कैसे सुरक्षित होगी। बता दें आपको कि डोली तेवठिया नाम की महिला ने ट्वीट कर स्वाति मालीवाल से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की थी और उन्होंने सोमवार को ही ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि तेवठिया ने वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा, पिछले कई महीनों से मैं लगातार इस बदसलूकी का सामना कर रही हूँ। तरुण डबास एक वकील है और कहते हैं कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार में जन समस्याओं के शिकायत है पर गंभीर दिखाते हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। इनमें 70 महिलाएं थी। महिलाओं ने सुबह के मुखिया से शिकायतों में अपनी आपबीती बताई। अलग ही 3 शिकायतों में महिलाओं ने फर्जी मुकदमे में किसी के पति किसी के बेटे को फंसाने का मामला सामने आया तो वो किसी की जमीन पर अवैध कब्जे की भी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने महिलाएं बता रहे और जिस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बाराबंकी में इन दिनों SDM साहब बुलडोजर पर सवार होकर निकल पड़े हैं लेकिन मदरसों की कुछ दीवारों को गिराकर भू माफियाओं को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि SDM की पहल माफियाओं में भले ही खलबली मचा रही हो लेकिन अभी भी सरकारी तालाब रास्ते चक्रोड मुख्य मार्गों पर भवन स्कूल कब्जे के रूप में निर्माण है और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि कुछ भवन अवैध कब्जों पर धारा 67 की कार्रवाई भी खुद SDM कार्यालय से चल रही है लेकिन 3 सालों से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री का पूरा पावर देने के बाद भी केवल नोटिस भेजकर खाना पूर्ति की जा रही है। बाराबंकी में बाबा का बुलडोजर तेजी से गरज रहा है। यहां बुलडोजर से रोजाना एक के बाद एक अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है। इसी क्रम में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद के मदरसे और बिजली उपकेंद्र के लिए प्रस्तावित जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। सपा जिला अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसे की बाउंड्री वॉल बनवा ली थी और जिसको हटवाने को लेकर ही उन्हें कई बार नोटिस भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि जब उन्होंने अपना अवैध कब्जा नहीं हटवाया तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बाबा के बुलडोजर से अवैध बाउंड्री वॉल को गिरवा दिया। SDM विजय कुमार त्रिवेदी के मुताबिक बाराबंकी के रसोली में मौजूद कब्रिस्तान की जमीन पर मदरसा जामिया मदीनतुल उलूम को ही प्रबद्ध हाफिज अयाज अहमद के द्वारा अवैध कब्जा पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा लिया था। इन्हें कई बार अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था लेकिन कब्जा न हटाने पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी चेतावनी दी गई है, अगर दोबारा यहां कब्जा करने की कोशिश की गई तो दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में ड्यूटी पर गाड़ी में सो रही पुलिस बल में तैनात दरोगा की गाड़ी में चैन की नींद सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा का नाम विष्णु शर्मा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दरोगा जी कितने आराम से गाड़ी साइड में लगाकर और वायरलेंस बंद कर सो रहे हैं। कैसे दरोगा जी ऑन ड्यूटी बेखबर होकर सोने की ड्यूटी निभा रहे हैं। मामला आपको बता दें कि मुस्कुरा थाना इलाके के बुलेंदखंड हाईवे का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।